तो आप देख रहे थे अभी पीसीसी अध्यक्ष और प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन के अवसर पर किस प्रकार से उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है। होती है वह थाना और तहसील होती है, और आप जैसे युवा और ऊर्जावान नायब तहसीलदारों के माध्यम से तहसील की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने, जन सुनवाई को और तीव्र बनाने, राजस्व से संबंधित मामलों के त्वरित निस्तारण को एक नई गति प्राप्त होगी, और आप सबके नियुक्ति पत्र वितरण का यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नायब तहसीलदार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित हुए हैं, जिनमें पुलिस वेरिफिकेशन के बाद अब तक 110 को सफलतापूर्वक उस योग्य माना गया। आज उनको नियुक्ति पत्र यहां पर वितरित किया जा रहा है। आप सबके सामने तो पहली बात आई होगी कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहे होंगे जिन्होंने 2019 के पहले भी अलग अलग परीक्षाएं दी होंगी, और उस समय आपकी योग्यता और प्रतिभा होने के बावजूद आपका चयन नहीं हुआ होगा, क्योंकि व्यवस्था में कुछ खोट था। योग्य और प्रतिभावान लोगों को अवसर नहीं मिल पाता था। उस समय चयन की प्रक्रिया की विसंगति और शासन की नियत में खोट होने के कारण योग्य और प्रतिभावान जो अभ्यर्थी होता था वह हताश होता था, निराश होता था, पलायन करने के लिए मजबूर होता था। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में नई सरकार के आने के बाद सरकार ने पहले दिन ही इस बात को तय किया था कि हम लोग चेहरा देख करके नहीं, व्यक्ति की जाति मत और मजहब देख करके नहीं, किसी का जनपद और गांव देख करके नहीं, योग्यता को आधार बना करके आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के हर प्रतिभावान नौजवान को उत्तर प्रदेश के अंदर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा अवसर देंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि विगत 4.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने 4.5 लाख प्रदेश के नौजवानों को सफलतापूर्वक नियुक्ति पत्र देकर के आज प्रदेश में उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ ले रही है। शासन की केवल एक अपेक्षा आप लोगों से है कि आपने जैसे चयन की प्रक्रिया को देखा होगा, राजस्व विभाग मेरे पास ही है, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम कि किस व्यक्ति को कहां नियुक्ति पत्र मिलना है, कहां उसकी पोस्टिंग होनी है, क्योंकि हमने प्रक्रिया ऐसे बनाई है कि मेरिट बेस्ड हो, दिव्यांगजन या फिर कुछ उन परिस्थितियों को छोड़ करके जहां पे उन परिवारों के सामने विशेष संकट है, उन स्थितियों को छोड़ करके शेष हर एक व्यक्ति को वह चयन की प्रक्रिया से लेकर के पोस्टिंग तक कहीं भी कोई सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं। मेरिट के आधार पर हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप मौका मिलेगा। जब आपको 2017 के पहले की उन विसंगतियों से उभार करके
एक स्वच्छ, पारदर्शी और ईमानदार पूर्ण व्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है, तो फिर शासन भी आपसे एक अपेक्षा रखता है कि इसी ईमानदारी पूर्वक, उसी स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से अपने अपने कार्य क्षेत्र में अगर हर व्यक्ति कार्य करेगा तो उसके बेहतरीन परिणाम उत्तर प्रदेश के लिए आएंगे, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी और इसके परिणाम सामने आए हैं। प्रदेश वही, तंत्र वही, संसाधन वही, सब कुछ तो वही है, लेकिन प्रदेश की छवि बदली है। 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों के मन में एक धारणा थी, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश देश के विकास में बाधक है, उत्तर प्रदेश में आने में लोग डरते थे, उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों में न्याय मिलना लोगों के लिए एक बहुत दूभर कार्य था, कठिन चुनौती थी। आज वही उत्तर प्रदेश कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है, आज आपने देखा होगा कि कैसे एक एक व्यक्ति का चयन पारदर्शी तरीके से हो रहा है और हर व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप स्थान प्राप्त कर रहा है, उसको किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं, उसको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किसी भी नियुक्ति में, किसी भी पोस्टिंग में किसी भी व्यक्ति को लेन देन की कोई आवश्यकता नहीं,